है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और वॉइस ठीक है। आज माफी चाहेंगे, क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और नोटिफिकेशन भी नहीं डाल पाया था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो बताइए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या चीज को कवर कर लिया था? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा या रिवाइज करा दीजिएगा। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे थे। क्यों भाई, राज्यपाल पढ़ रहे थे? हाँ, तो मेरे ख्याल से उसका योग्यता हमने बता दी थी सारी चीजें, और आज हमें उसकी क्या बतानी थी, शक्तियों के बारे में बतानी थी, या वो क्या क्या उसके पास पावर होती है। तो आप लिख लीजिएगा राज्यपाल की शक्तियां, ठीक है। पहली होती है मुख्यमंत्री को, या मुख्यमंत्री ने नियुक्ति लिख लीजिएगा कि वो किस किस व्यक्ति को या किस किस पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को नियुक्त करता है। तो सबसे पहले आता है सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिसे आप मुख्यमंत्री कहते हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह पर किसे करता है, यानी कि उसका जो विधानमंडल होता है, जैसे वहां कैबिनेट होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, विधानमंडल, या आप कह सकते हैं राज्य का मंत्री परिषद। इसके बाद राज्य का अधिवक्ता, यानी कि अटर्नी जनरल, अधिवक्ता। इसके बाद राज्य का यूपीएससी, जिसे आप कहते हैं स्टेट पीसीएस, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो जो राष्ट्रपति करता है सेंट्रल में, वो ही सारी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ओ राज्यपाल करता है। वहीं हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। अगर स्टार बना के लिख लेना, अगर राज्य में सीएम काम नहीं करता या सरकार से नहीं चलता, तो तुरंत क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उसकी देखरेख कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो उसकी कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से सर, वॉइस कट रही है बीच बीच में। अच्छा, एक मिनट दीजिए, फिर अगर वो इसका इश्यू है तो। अब ठीक आ रही है बेटा वॉइस, अब कोई इश्यू नहीं है, अब आवाज ठीक है। उसके बाद जैसे लोकसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का पावर किस पे है, राष्ट्रपति पे है, ठीक उसी तरह से राज्य की विधान परिषद में 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है, राज्यपाल को है। और ये कौन हो सकते हैं, सॉरी, 12 तो विधान परिषद में होंगे, दो होते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में दो होते हैं। और इन दो को नियुक्त करने का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो है 233 के, राज्यपाल विधानसभा में दो व्यक्ति को, जो आंग्लो भारतीय संविधान से होंगे, यानी कि आंगल भारतीय समुदाय से होंगे, उनको जो है वो मनोनीत करेगा। और ये आर्टिकल लिखा है 333 में। अब मुझे ये बता दीजिए कि 333 जो जर्सी है, वो कौन सा क्रिकेट प्लेयर पहनता है? एक ही प्लेयर है जो तीन डिजिट की, इतनी लंबी डिजिट की पहनता है।
और वो यूनिवर्सल के नाम से मशहूर है। उसकी हाइट बहुत लंबी है और वो राजस्थान बेंगलोर के लिए खेलता है। बिल्कुल, इसका नाम है क्रिस गेल। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग आर्टिकल याद कर सकते हैं। क्रिस गेल भी क्या है, बहुत लंबा खिलाड़ी है हाइट में और बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो वो 333 नंबर के क्या पहनता है, जर्सी पहनता है, जर्सी पहनता है। इसके अलावा जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र बुलाया जाता है तो किसकी अनुमति से बुलाया जाता है, राज्यपाल की अनुमति से। जो है वो विधान सभा और विधान परिषद, इन दोनों का सत्र किसकी मर्जी से बुलाया जाता है, राज्यपाल की। सर वॉइस बहुत कट रही है, ऐसा क्या? 1 मिनट रुकिए, फिर मैं कुछ करता हूँ बेटा। अब आवाज आ रही है बेटा? ठीक, अब बताइए। जर्सी वाली बात बेटा ये है कि एक खिलाड़ी है जिसका नाम है क्रिस गेल, वो 333 नंबर की क्या पहनता है, जर्सी पहनता है। तो इस तरह से आप लोग लिंक बना के भी जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेंगे कि राज्य में अध्यादेश जारी करने की क्या है, पावर होती है, किसके पास, राज्यपाल के पास। और शायद मैंने आपको जब राष्ट्रपति बताया था तो अध्यादेश और आदेश दोनों में फर्क बताया था। अध्यादेश क्या होता है और आदेश क्या होता है। ठीक है, अध्यादेश उसे कहते हैं जो राज्यपाल के द्वारा बनाया गया अल्प कानून होता है। अल्प कानून का मतलब थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक कोई सत्र ना चलता हो, ना तो विधानसभा का और ना ही विधान परिषद का। राष्ट्रपति में इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने है, जबकि राज्यपाल के वक्त में ये सिर्फ 6 सप्ताह है। ठीक है, यानी कि जो अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल, वो 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और ये बात 213 आर्टिकल में लिखी है, ये बात 213 आर्टिकल में लिखी है। ठीक, और इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना का पावर होता है, राज्यपाल के पास क्षमा याचना की माफी होती है। ठीक, तो इस तरह से जो हो गया ये आपका राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल के जो काम है वो सारे हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कि राज्य की जो यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि जो विश्वविद्यालय होता, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो राज्य का विश्वविद्यालय होता है, ठीक है, तो उसका जो चेयरमैन होता है, यानी कि उसके आप कुलपति जिसे कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें वाइस चांसलर होते हैं, हमेशा वाइस चांसलर होते हैं। चांसलर कौन होता है, कुलपति। अब जितने भी स्टेट की यूनिवर्सिटी होंगी जो सरकारी होंगी उनका जो कुलपति होगा वो कौन होगा, उस राज्य का राज्यपाल। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी, जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है और DU है, इनके जितने भी कुलपति होंगे वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखना,
उनका जो चांसलर होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आप देखते हैं जब भी उनका कॉन्वोकेशन होता है, कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह होता है, तो उसमें एज अ चीफ गेस्ट कुलपति ही आता है, और वाइस चांसलर को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो समझ में आया आपको राज्यपाल? ठीक है बेटा, इसके बाद आता है हमारा राज्य का उच्च सदन, जिसे आप कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, बताइए विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? बिल्कुल, 7 राज्यों में है, शाबाश। और उच्च सदन में या कह सकते हैं विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता विधान परिषद को। और इसके अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो विधान परिषद आती है आर्टिकल 171 में, 177, और इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और उच्च सदन में तादाद कितनी होगी? तो जितनी भी संख्या होगी उसका 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद के, जितनी भी कुल संख्या होगी उनके अधिकतम है, और ये ध्यान रखना अधिकतम है। और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम 40, यानी कि विधान परिषद में कम से कम 40 व्यक्ति का होना जरूरी है, कम से कम। और अधिकतम जितनी भी होंगी उसका 1/3, जैसे मान के चलिए 15 जनसंख्या है, इसका 1/3 लगा लीजिए, कितना बैठेगा? 5। यानी कि विधान परिषद में 5 मेंबर का होना जरूरी है अधिकतम में। ठीक है, और अगर हम बात करें विधान परिषद के कार्यकाल की, तो कार्यकाल होता है बिल्कुल शून्य। विधान परिषद का कार्यकाल होता है शून्य। अगर हम बात करें इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। और जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में 1/3 के तहत उनका कार्यकाल मुकम्मल होता है, या वो क्या देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें सभापति और उपसभापति। बताइए विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कौन होता है? सभापति और उपसभापति कौन होता है? बताइए भाई। और यहां पे एक बात और लिख लेना स्टार बना के, कि विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है। शायद ये मैंने लिखवा दिया लेकिन फिर भी लिख लेना। तो जाहिर सी बात है जो केंद्र में होता है वही क्या होता है? स्टेट में होता है। तो ये तो बहुत ही लॉजिक वाली बात है, ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, ये हुआ आपका विधान परिषद। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा आता है आर्टिकल 170 में। विधानसभा आता है आर्टिकल 170 में, और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है।
प्रथम सदन कह ले, निम्न सदन कह ले, या अस्थाई सदन कह ले, तीनों नाम एक ही के हैं। विधानसभा आर्टिकल 170, प्रथम सदन, निम्न सदन और स्थाई सदन, अस्थाई सदन। और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। कोई मुझे बता सकता है वर्तमान में विधानसभा में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज्यादा सदस्य की जो सीट है वो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जो सीट है वो किस राज्य में है विधानसभा की? नहीं बता रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की भी सबसे ज्यादा है, 400 कुछ है, और क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा की भी ज्यादा है, 80 सीटें हैं लोकसभा की। और सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर देने वाला भी अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब तक जब से हम लोग आजाद हुए हैं 1947 से लेके 2023 तक, उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की तादाद कितनी होनी चाहिए? 60। न्यूनतम की कितनी होनी चाहिए? 60। और हमारे देश में कितनी विधानसभा है? 28 राज्यों की हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश की है, तो कुल मिलाकर 30 विधानसभा है, ठीक है। कुल मिलाकर 9 2 केंद्र में है। हाँ बेटा, अभी मैं आपको अपवाद भी लिखवाऊंगा। अपवाद बेटा 3 में है। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है, जिसमें गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 स्टेट हैं जिसमें ये अपवाद है। गोवा में और मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है, और सिक्किम में 32 है, ठीक है। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 साल या 5 वर्ष। और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। और मुझे बताइए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? कितनी उम्र का होना जरूरी है? बिल्कुल एक्सीलेंट। कितना? 25। और विधान परिषद का, विधान परिषद का, बिल्कुल शाबाश। जो लोकसभा राज्यसभा में है वही बिल्कुल क्या है, यहीं पर है, एग्जैक्ट, ठीक है। इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में इससे ज्यादा जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने राज्यपाल को पढ़ लिया, विधानसभा को पढ़ लिया, विधान परिषद को पढ़ लिया, और इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें जो है क्या कर ली हमने? कवर कर ली। लेकिन फिर भी एग्जाम में इनके अलावा भी और काफी सारी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती हैं, खास तौर पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है सीएम के बारे में, कि सीएम के आर्टिकल बताइए, सीएम की सारी चीजें बताइए। इसके अलावा कुछ अहम और इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बताइए, जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस आर्टिकल में आती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, हिंदी भाषा जो है वो आपकी किस आर्टिकल में आती है? बिल्कुल 323 बेटा, 343 है, ठीक है। इसी तरह से
और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 क्या है, और ये SC ST का जो रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल में आता है। तो कहने का मतलब ये है, अब हम लोग लिखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। हालांकि चीफ मिनिस्टर भी मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि वो PM के इक्वल होता है, तो इसलिए उससे एग्जाम में बन सकते हैं। लेकिन बेसिक बेसिक चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर की हैं, एज इट इज अगर आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है केंद्र में, वही काम किसका होता है स्टेट में, CM का होता है। लेकिन आर्टिकल ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है पॉलिटी में, तो वो आपका कल पॉलिटी का टेस्ट होगा, MCQ, ठीक है ना। और पॉसिबल है 2 दिन तक आपका ये टेस्ट हो, बाकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि पढ़ तो लिया आपने, अब उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे ये भी तो होना चाहिए ना, कि आपने कितना समझा। या तो आप लोग 1 दिन का वक्त ले लें, कल का ऑफ रख के सैटरडे में टेस्ट ले लें, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ना प्रोसेस, तो इसलिए जो है कल ऑफ रख लेते हैं आप लोगों का, और फिर सैटरडे में क्या ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो भी सुन ले, ये बेहतर रहेगा, ताकि आप लोग भी रिवाइज कर लें सारी चीजों को, और 1 दिन आपका जो है वो वक्त मिल जाए, ठीक है। हालांकि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लासेस होंगी पॉलिटी की, और उसमें अहम अहम बातें जो है मैं आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास बस इतनी ही, और मुलाकात करने के लिए मैं आपको नोटिस दे दूंगा, अगर आपका स्कोर ठीक रहता है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे जहां तक उम्मीद है कि आपकी जो क्लास होगी वो अब संडे में होगी, इस संडे क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि कल ऑफ हो जाएगा, फिर सैटरडे में टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट की टाइमिंग यही रहेगी जो आपकी क्लास की होती है, शाम में 8 बजे से, ठीक है। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है तो वो भी ध्यान से समझ ले और सुन ले, फिर कहते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं था। बेटा क्लास करोगे तो पता चलेगा, अब आप क्लास नहीं करोगे फिर बाद में मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो फिर कहाँ से जवाब दें, ठीक। चलिए फिर मुलाकात करते हैं जल्द।